हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्न हब। आज के इस वीडियो लेसन में मैं आप लोगों को ग्रुप थ्योरी का आगे का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, जिसमें कि आज हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स एलिमेंट, सेमी ग्रुप, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रुप को समझेंगे। तो चलिए अभी हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स एलिमेंट को समझते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स एलिमेंट, इसको समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक इस पर एग्जाम्पल पहले समझाना चाह रहा हूँ। तो चलिए पहले हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको क्या होगा कि इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम लोग ले लेते हैं जेड, एक सेट ऑफ इंटीजर्स जिसका एलिमेंट है 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से एक सेट हम लोग इंटीजर्स का लिए है जेड, जिसमें कि ये सब एलिमेंट है। अब इस पे हम लोग एक बाइनरी ऑपरेशन प्लस का डिफाइन करते हैं। सेट जेड पे बाइनरी ऑपरेशन प्लस का हम लोग डिफाइन करते हैं, तो यह एक तरीके से अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन के बारे में अच्छे से समझा चुका हूँ। अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को देखिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, या तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पे एक सेट जेड लिया है और उस पर प्लस बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड किया है। तो यहाँ पे अब देखिए, पहले तो अगर हम लोग देखें, ये क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर कोई भी दो एलिमेंट हम लोग लेंगे ए और बी, तो ये जो प्लस ऑपरेशन लिए हैं, उस ऑपरेशन इन दोनों एलिमेंट पे लगाने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो इसी सेट से आ जाएगा। तो जब यह सेटिस्फाई करता है यह कंडीशन, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रुप वाइड। और अगर आप इसमें से कोई भी दो एलिमेंट ले, जैसे हम लोग प्लस 1 ले लेते हैं और कोई दूसरा एलिमेंट माइनस 3 ले लिए यहाँ से, और इस पर बाइनरी ऑपरेशन प्लस का है तो प्लस लगा दिए, तो 1 माइनस 3 यह बेसिकली हो जाएगा, और 1 माइनस 3 यह आ जाएगा माइनस 2, और माइनस 2 इसी सेट जेड में है, तो यह बिलोंग्स कर रहा है इसी सेट जेड से। तो यह क्लोजर प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख चुके थे हम लोग। अब एक जो है उसके बाद हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट को भी समझ चुके थे। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हम लोगों का यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, इसमें क्या है कि एक एलिमेंट कोई हम लोग यहाँ से लेते हैं इस सेट जेड से, तो जैसे अगर आप कोई भी एक एलिमेंट यहाँ से ले लीजिए, हम लोग ले लेते हैं एक एलिमेंट माइनस 3, तो इसका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट का क्या कंडीशन है, इसका क्या स्टेटमेंट है कि अगर हम लोग कोई एलिमेंट लेते हैं किसी सेट से और कोई जो बाइनरी ऑपरेशन हम लोगों को दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हम लोगों को कोई एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा बी, जो कि इसी सेट से होगा, और उसको इसके साथ ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। तो इस प्लस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वह होता है 0, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का कंडीशन क्या है, अगर कोई एलिमेंट ए है उसमें अगर हम लोग इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ उसको ऑपरेट करते हैं तो यह हमेशा ए आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप ई के जगह आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो ई के पोजिशन पर अगर आप 0 रखेंगे तब यह ए आ जाएगा, प्लस जब रहेगा। यहीं पे ए अगर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का रहता तो इसको 1 होना पड़ता आइडेंटिटी एलिमेंट, तब यह ए के इक्वल होता। तो आइडेंटिटी एलिमेंट उस एलिमेंट को कहेंगे जिसको कि उस सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पे उसका जो वैल्यू होगा वही एलिमेंट होगा जो हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोगों को आना चाहिए किसी एलिमेंट से अगर हम लोग ऑपरेट करें उस सेट में, कोई एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होगा सभी एलिमेंट के लिए जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। तो यहाँ पे माइनस 3, पहले तो इस सेट के लिए आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया 0,
प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है। तो अब फिर ये माइनस थ्री, अब आप यहाँ पे देखिए बी के जगह पे क्या रखेंगे जो कि इस प्लस ऑपरेशन के साथ जीरो आ जाए हम लोगों को। तो बी के जगह अगर हम लोग सिर्फ थ्री रखते हैं तो यह हो जाएगा माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो। तो बी हम लोगों को एक एलिमेंट ऐसा मिला है जो कि इसी सेट जेड से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि बी के जगह थ्री है तो यहाँ पे प्लस थ्री माइनस थ्री दोनों जेड से बिलोंग कर रहा है, तो थ्री भी क्या हुआ जेड से बिलोंग कर रहा है, और जीरो क्या है इसका ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया यहाँ से, और यह भी जेड में है, जीरो यहाँ पे जेड में है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स का आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़रूर अभी क्लियर हो गया होगा कि एक कोई एलिमेंट लेंगे किसी सेट से, उसके बाद उसी सेट में कोई एक एलिमेंट हम लोगों को ऐसा मिले बी जिसको कि ऑपरेट करने पे जो भी ऑपरेशन हम लोगों को दिया हुआ है, यहाँ पे मैं स्टार मान ले रहा हूँ, आपको जो भी ऑपरेशन दिया रहेगा उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इसको अगर जब ऑपरेट करेंगे तो यह आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो यहाँ पे ए को हम लोग कहेंगे ए जो होगा इनवर्टिबल एलिमेंट कहलाएगा। और बी जो है ये हो जाएगा इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, यह ए का बी यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट कहलाएगा। अब इसको चलिए मैं आपको डिफिनेशन से समझाता हूँ इसको किस तरीके से एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को हम लोग किस तरीके से डिफाइंड करते हैं। अब हम लोग डिफाइन करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट या इन्वर्टिबल एलिमेंट, इसी या इन्वर्टिबल एलिमेंट इसी को हम लोग जो ए एलिमेंट होगा उसको इन्वर्टिबल बोलेंगे। तो चलिए इसका हम लोग डिफिनेशन के तरह से किस तरीके से समझते हैं उसको लिखते हैं। मान लेते हैं लेट कोई सेट जी है और एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार, कोई एक बाइनरी ऑपरेशन है तो लेट जी स्टार, और यह कुछ प्रॉपर्टी अभी सेटिस्फाई कर रहा है जैसे कि क्लोजर का, यानी कि जब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो इसको हम लोग ग्रुपाइड कहते हैं। तो लेट जी स्टार बी अ ग्रुपाइड, यह एक ग्रुपाइड है, एंड और इस ग्रुपाइड में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ये हम लोग मान ले रहे हैं, एंड ई बी दी आइडेंटिटी एलिमेंट, ऑफ जी या जो सेट जी है इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ई इस एलजेब्रिक स्ट्रक्चर का आइडेंटिटी एलिमेंट है, तब जाके देन हम लोग एन एलिमेंट ए जो कि जी में ही है, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सेड टू बी इन्वर्टिबल एलिमेंट इफ एंड ओनली इफ। एक हम लोग ग्रुप वाइड ले लिए जी स्टार का, जिसमें कि ये स्टार क्या है बाइनरी ऑपरेशन है, और इसमें मान लेते हैं ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो उसमें से हम लोग जब कोई भी एलिमेंट कोई एक एलिमेंट ए लिए हैं इसको हम लोग इस एलिमेंट ए को इन्वर्टिबल तब कहेंगे जब केवल देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी। ए एलिमेंट को इन्वर्टिबल एलिमेंट तब कहेंगे जब इसी सेट जी में बी हम लोगों को एक ऐसा एलिमेंट मिले सच दैट बी हम लोगों को कुछ इस तरीके से हो कि ए जो कि हम लोग एलिमेंट कोई लिए ऑपरेशन लगाए बी का स्टार का बी के साथ, तो ऐसा कोई बी मिल जाए
जो कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे, या इसको हम लोग अगर बी बाइनरी ऑपरेशन स्टार और एलिमेंट ए पे लगाए फिर भी यह आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे, तब हम लोग कहेंगे कि ए जो है इन्वर्टिबल एलिमेंट है। ए बी का इन्वर्टिबल है तो बी भी ए का इन्वर्टिबल होगा, क्योंकि अगर हम लोग जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिए थे -3, तो यह 3 जो मिला था -3 का इन्वर्टिबल मिल गया, इन्वर्स एलिमेंट मिल गया। अगर हम लोग +3 लेते, दैट मीन्स सिंपली 3 लेते, तो इसका प्लस के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता जो इन्वर्स एलिमेंट मिलता वह होता -3, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट देता प्लस के रिस्पेक्ट में 0। तो जैसे तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ए बी का इन्वर्स एलिमेंट है तो बी भी ए का इन्वर्स एलिमेंट होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट या इन्वर्टिबल एलिमेंट का कॉन्सेप्ट मिल गया होगा, यह समझ में आ गया होगा कि जी स्टार कोई एक हम लोग ग्रुप वाइड लिए, इसमें ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ए स्टार बी को ऑपरेट करने पे ई आ जाए या बी स्टार ए को ऑपरेट करने पे ई आ जाए, तो हम लोग कहेंगे ए बी का इन्वर्स है या बी ए का इन्वर्स है, बात बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ए इज इन्वर्टिबल एलिमेंट। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग समझते हैं सेमी ग्रुप को। तो हम लोग पहले देखते हैं सेमी ग्रुप क्या होता है। इसके बाद हम लोग फिर ग्रुप का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि सेमी ग्रुप में ही कुछ प्रॉपर्टी ऐड हो जाता है तो हम लोग उसको ग्रुप बोलते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि यह सेमी ग्रुप क्या है। तो इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं, जी स्टार, जी कोई सेट है, स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है, इसको हम लोग सेमी ग्रुप तब बोलेंगे इज कॉल्ड सेमी ग्रुप इफ एंड ओनली इफ, या तभी हम लोग इसको सेमी ग्रुप बोलेंगे जब यह कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, और जिसमें कि सबसे पहला प्रॉपर्टी है इसका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर के लिए क्या था कि ए बी कोई दो एलिमेंट्स है जो कि सेट जी से ही बिलोंग कर रहा है, और ए और बाइनरी ऑपरेशन जो है इन दोनों एलिमेंट पे अगर हम लगाए तो जो नया एलिमेंट आएगा वह भी अगर जी में ही हो तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स इसको हम लोग कह सकते हैं जब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो जी स्टार इज अ ग्रुप वाइड। तो जब यह ग्रुप वाइड हो, फर्स्ट कंडीशन यह है। इसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी सेमी ग्रुप के लिए हम लोग 3 एलिमेंट इससे लेते हैं, ए बी सी, जो कि बिलोंग्स कर रहा है ग्रुप जी से। तो इस पे हम लोग इस तीनों एलिमेंट पे ए स्टार बी स्टार सी जब बराबर हो जाए ए स्टार बी स्टार सी के, तब हम लोग कहेंगे कि यह जी स्टार जो है एक सेमी ग्रुप है। दैट मीन्स यह जो है इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको मैं आपको पहले लेक्चर में समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे सेमी ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है, जी स्टार को हम लोग सेमी ग्रुप तब कहेंगे जब यह क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। अब इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट ग्रुप का कॉन्सेप्ट मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।